हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिकी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज आप देख के समझ गए कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ। तो किस तरह परफेक्ट भुट्टा को बिना चूल्हे का आप इसे पका सकते हैं, उसका तरीका बताया मैंने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना चूल्हे का और बिना मेहनत का मैं आपको भुट्टा किस तरह गैस पे पकाते हैं उसका तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले भुट्टा को क्या करना है, बहुत लोग भुट्टा बोलते हैं, बहुत लोग मकई बोलते हैं, तो जो भी आप बोलते हैं, पहले इस तरह छील लेना है। इस तरह छील लेंगे, अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। इसका जो ये देखिए रेशा जो होता है इसे भी निकाल लेंगे। इस तरह पहले साफ कर लेंगे, बहुत ही अच्छा ये है। ये देखिए इस तरह इसका निकाल लेंगे रेशा जितना भी है, साइड में रखेंगे। फिर इसी तरह दूसरा भी कर लेंगे। तो अब किस तरह गैस पे पकाएंगे, तो ये देखिए इस तरह का मेरे पास जाली है। अगर आपके पास है तो आप इसका यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसे गैस पे रख देंगे, अब गैस को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद अब इसे भुट्टे को इसको इसके ऊपर डाल देंगे। दोनों भुट्टा एक साथ पक जाएगा हमारा। इसे पलटने में बहुत ही आसानी होता है इसके ऊपर। डायरेक्ट अगर गैस पे पकाते हैं तो पलटने में थोड़ी देरी होती है और थोड़ा सा दिक्कत होता है। इस पे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे 3 से 4 भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह बीच बीच में से पलटते जाएंगे। तो ये देखिए आधा जब पक जाएगा मैं आपको बताऊंगी कि और मैं इसमें क्या करने वाली। अभी ये आधा भी पका नहीं है, अभी तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है। तो इस तरह आधा जब पक जाएगा फिर पलट लेंगे इधर भी। तो आधा ही अभी पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत परफेक्ट और बहुत ही अच्छा एक तरीका मैं बताऊंगी जिससे आपको भुट्टा बहुत ही अच्छा पकेगा। तो ये देखिए आधा पक गया, इतना ही जिस तरह हल्का सा लाल होगा तो गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। अब क्या करना है, सरसों तेल लेंगे थोड़ा सा ही, देखिए ज्यादा नहीं लिए, और ब्रश लेंगे और इस तरह चारों तरफ पहले ब्रश से सरसों तेल इस पे ग्रीस कर देंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा इस पे ग्रीस कर देना है। इस तरह चारों तरफ करना है, सभी पे करना है, दोनों पे कर देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आधा पे ही करना है, आधा पका के ही करना है, क्योंकि अभी और इसे पकाएंगे तो इसलिए आधा कर लेते हैं, उसके बाद ही ये तेल लगाएंगे। पहले नहीं लगाएंगे, आधा पकाने के बाद ही लगाते हैं। अब क्या करेंगे, गैस को फिर से ऑन कर लेंगे। अब इस तरह पकाने से ना बहुत ही अच्छा भुट्टा पकता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगे, आप एक बार जरूर से ट्राई करें। तो ये देखिए अब इसे अच्छे से पका लेते हैं। इसका आवाज बहुत ही अच्छा लगता है जब ये पकता है। तो बहुत लोग चूल्हा जब रहता है चूल्हे पे पकाते हैं, चूल्हा वाला बहुत ही अच्छा सोंधा सोंधा लगता है, लेकिन ज्यादातर किसी के घर में चूल्हा नहीं रहता है। तो आप इस तरह पकाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहे तो दोनों को इस तरह एक साथ इक्वल पका सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है मुझे कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो लाइक जरूर करें। तो ये देखिए अब दोनों तरफ हमारा अच्छे से हो गया। तो अब क्या करेंगे, गैस के यहाँ पे धीमी कर देंगे और इस तरफ पलट लेंगे दोनों को। अब हमें ये पार्ट को पकाना है। तो एक साथ दो तैयार हो रहा है हमारा, गैस की भी बचत होती है इससे और बहुत जल्दी पक जाता है। बरसात के दिन में भी बहुत ही भुट्टा मिलता है, तो आप जरूर एक बार ट्राई करें।
तो ये देखिए दोनों भुट्टा अच्छे से मेरा पक चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं और चलिए किस तरह से सर्व करेंगे वो दिखा देते हैं। तो बस मैं इसी तरह इस भुट्टे के पत्ते पे ही इस तरह खाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब इसे थोड़ा सा अच्छा चटपटा बनाने के लिए नमक को थोड़ा सा इस तरह ग्रीस कर देंगे चारों तरफ, और थोड़ा सा नींबू का रस हमने लिया है ये देखिए, और इस तरह लगाएंगे, और थोड़ा सा मिर्ची, मिर्ची पाउडर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने लिया है ये देखिए। तीखा अगर बच्चे खा रहे हैं तो तीखा मत लगाइए, मैं अपने लिए लगा रही हूँ, अपनी बेटी के लिए नहीं लगा रही हूँ, बस मैं अपने में दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह लगाकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार जरूर से ट्राई करें। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय।